प्रदेश में इस गर्म माह में होने वाले कांग्रेस के 3 दिवसीय चिंतन शिविर और बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बीच गहलोत सरकार के एक मंत्री पुत्र पर लगे रेप और ब्लैकमेलिंग जैसे गंभीर आरोपों से सियासत का तापमान जबरदस्त गर्माया हुआ है। राजस्थान सरकार में जलदाय मंत्री या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी नेता महेश जोशी के पुत्र और युवा कांग्रेस नेता पर जयपुर की एक युवती ने दिल्ली में 0 FIR दर्ज करवाई है। मामले की मीडिया की सुर्खियां बनने के बाद सोमवार को PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई करेंगे और उन्हें पद से हटाएंगे। मेरा बेटा हो या मंत्री का बेटा हो, कार्रवाई जरूर होगी। आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आपको बता दें, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से विधायक झोरीलाल मीणा के पुत्र पर लगे रेप के आरोप का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर से कांग्रेस के बड़े नेता के बेटे पर रेप का आरोप लगा है। इस बार आरोपों की जद में आए गहलोत सरकार में जलदाय मंत्री महेश जोशी के बेटे और कांग्रेस के युवा नेता रोहित जोशी। जयपुर की पीड़िता ने दिल्ली में रोहित जोशी पर रेप का मामला दर्ज कराया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि मंत्री के बेटे रोहित जोशी ने नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ कई बार रेप किया। वहीं जब वह गर्भवती हुई तो उसका गर्भपात करा दिया गया। इसके साथ ही पीड़िता ने रोहित जोशी पर मारपीट कर अप्राकृतिक सेक्स करने का भी आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस इस मामले को लेकर गंभीरता से जांच में जुटी हुई है। वहीं सूत्रों का कहना है कि दिल्ली पुलिस की उच्च स्तरीय मीटिंग में यह फैसला लिया गया है कि अब दिल्ली पुलिस का उच्च अधिकारी ही इस पूरे प्रकरण की जांच करेगा। इससे पहले चर्चा थी कि इस 0 FIR को राजस्थान शिफ्ट करा लिया जाएगा। इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस अब कभी भी रोहित जोशी को गिरफ्तार कर सकती है। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद मीडिया ने मंत्री महेश जोशी की प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो जोशी ने कहा कि मैं इतना कहना चाहता हूं, मैं पूरे जीवन सत्य और न्याय पे रहा हूं। जैसा आपने बताया, मीडिया ने बताया कि कोई रिपोर्ट दर्ज हुई है, पुलिस निष्पक्षता के साथ में, गहराई के साथ में और शक्ति के साथ में उसकी जांच करे। ये प्रकरण हो चाहे कोई और प्रकरण हो, मैं हमेशा न्याय और सच्चाई के साथ रहूंगा। वहीं सूत्रों का तो ये भी कहना है कि मंत्री महेश जोशी विरोधी खेमे ने इस मामले को तुल देते हुए कांग्रेस आलाकमान तक इस मामले को पहुंचाते हुए मंत्री के बेटे पर दर्ज दुष्कर्म की FIR के दस्तावेज भी आलाकमान तक पहुँचाए हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि मंत्री महेश जोशी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है। वहीं PCC सदस्य और मामले में मुख्य आरोपी रोहित जोशी को पद से हटाए जाने से जुड़े सवाल पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि FIR करने मात्र से कोई दोषी नहीं हो जाता। अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मंत्री का बेटा हो चाहे वो मेरा बेटा हो, अगर वो दोषी पाया जाता है तो कांग्रेस पार्टी 100% कार्रवाई करेगी। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि जिस प्रकार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे को सलाखों के पीछे हो गया, कोर्ट में गलत तथ्य पेश करके जमानत ले ली और कोर्ट ने वापिस जमानत करके अंदर कर दिया, लेकिन न बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री के ऊपर कार्रवाई की, न कोई उसके बेटे के ऊपर कार्रवाई की, ने किसी तरीके का कोई बयान नहीं दिया उन्होंने, कोई कार्रवाई नहीं की। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को तो किसी बात को कहने का हक ही नहीं है। हम इस मामले में ये कहना चाहते हैं कि जो भी रिपोर्ट हुई है, वो जो भी इन्वेस्टिगेशन अधिकारी होगा वो अपनी जांच करेगा और जो नतीजा देगा उसके आधार के ऊपर आगे की कार्रवाइयां होंगी। वहीं मंत्री पुत्र पर लगे आरोपों को लेकर खान मंत्री प्रमोद जैन भाया का बयान भी सामने आया है। मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। मंत्री भाया ने कहा कि मामले की जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। तो वहीं इस मामले में मुख्य आरोपी रोहित जोशी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि मेरे खिलाफ एक केस दिल्ली में दर्ज करवाया गया है, जिसकी वास्तविकता एवं सच्चाई मुझे जानने वाले अधिकांश लोग जानते हैं, फिर भी चूंकि यह पुलिस एक कानूनी संबंध प्रकरण है जिससे सिर्फ कानूनी तरीके से ही लड़ा जा सकता है, इसलिए मैं उन सभी साथियों का जिन्होंने सोशल मीडिया
ये व्यक्तिगत मुझसे मिलकर मुझ पर विश्वास प्रकट किया है, उनका आभार प्रकट करता हूँ। और साथ ही सभी से ये अपील करता हूँ कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार का कोई पोस्ट कृपया करके नहीं डाले और न ही इस प्रकरण के संबंध में कुछ लिखे। आपको बता दें, राजस्थान के एक न्यूज चैनल में काम करने वाली 23 वर्षीय एक युवती ने डॉक्टर महेश जोशी के पुत्र रोहित जोशी के खिलाफ दिल्ली के सदर बाजार पुलिस थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। सदर बाजार पुलिस थाने में 0 नंबर की FIR दर्ज कर सवाई माधोपुर स्थानांतरित कर दी गई है। युवती का आरोप है कि रोहित ने उसके साथ मारपीट की और प्रेग्नेंट हुई तो जबरन उसका गर्भपात करवा दिया गया। युवती के अनुसार दोनों के बीच करीब 2 साल पहले फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। इसके बाद 8 जनवरी 2021 को रोहित उसे सवाई माधोपुर स्थित स्वयं के दोस्त के घर ले गया, जहां रोहित ने उसे नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया। जब वह बेसुध हो गई तो रोहित ने उसके निवस्त्र वीडियो बना लिए और फोटो भी खींच लिए। वहीं युवती का यह भी आरोप है कि 20 अप्रैल 2021 को रोहित उसे जयपुर में एक फार्म हाउस पर ले गया। यहां उसकी मांग में सिंदूर भरकर बोला कि तुम अब मेरी पत्नी बन चुकी हो, जल्द ही शादी का आशीर्वाद समारोह आयोजित करूंगा। इसके बाद वह उसे मनाली ले गया। रोहित बोला कि यह हमारा हनीमून है। इसके बाद अगस्त में वह गर्भवती हुई तो इसकी जानकारी उसने रोहित को दी। इस पर वह नाराज हो गया और उसने युवती से मारपीट की। युवती ने बताया कि 12 अगस्त 2021 को रोहित ने उसे अपने दोस्त अजय यादव के कार्यालय में बुलाया और वहां बातचीत के दौरान मारपीट की और रोहित ने जबरन उसका गर्भपात करवा दिया। इसके बाद 3-4 सितंबर को रोहित उसे दिल्ली के एक होटल में ले गया और वहां दुष्कर्म किया। इसके बाद फिर बातचीत के बहाने 17 अप्रैल 2022 को फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती ने बताया कि उसकी जान को खतरा है, इसलिए उसने नई दिल्ली के सदर बाजार पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता ने FIR में कहा कि रोहित अपने मंत्री पिता के नाम पर उसे धमकी देता रहा। रोहित ने कहा कि उसका हाल वह भवरी देवी जैसा करेगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।